तो आइए दर्शकों, अब आपको हम ले चलते हैं स्वयंसेवी संस्था चौपाल के एक ऐसे कार्यक्रम में जहां पर महिलाओं के उत्थान और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के पूरे प्रयास किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं चौपाल के इस बेहतरीन कार्यक्रम की कुछ अहम झलकियां। जीवन की कला को अपने हाथों से साकार कर नारी शक्ति ने संस्कृति का रूप निखारा है। बिल्कुल हाँ दर्शकों, हम इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है स्वयंसेवी संस्थान चौपाल, जिसके माध्यम से नारी शक्ति को बढ़ावा मिल रहा है। नारी शक्ति को हम ये देख पा रहे हैं कि कैसे वो आगे बढ़ के ई रिक्शा में चलकर अपने आप को बढ़ा रही हैं, घर से बाहर निकल रही हैं। तो दर्शकों, आइए हम और आप मिलकर इस समारोह का एक हिस्सा बन जाते हैं। अब चाहे कोई फलों की रेडी लगाता हो या छुटपुट सामान बेचता हो, हर कोई इसका लाभ उठा सकता है। यह जो चौपाल की योजना है, मुख्यतः उसमें जिसको आजकल माइक्रो फाइनेंस कहते हैं, यानी छोटा छोटा लोन, जिसको लेकर ये लोग अपना छोटा सा काम करते हुए उसमें से जो बचत होती है उसको लोन रिपेमेंट के रूप में उपयोग करते हैं और धीरे धीरे अपनी जो माली हालत है वो ठीक करने का प्रयास करते हैं। जरा सोचिए, पूरे भारत की लगभग 26% जनसंख्या बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे है और लगभग 60% लोग किसी भी बैंक से सहायता लेने में असमर्थ है। तो ऐसे हालात में उन्हें पैसों के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है और पैसा देने वाला सारी उम्र इनसे ब्याज गरीब ही रह जाते हैं। ऐसे ही जरूरतमंद और बेसहारों की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है चौपाल ने। लघु ऋण वितरण की योजना को आगे बढ़ाते हुए और युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए एक नई योजना केसरिया या केदारनाथ साहनी स्वयं रोजगार ई रिक्शा योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत 11 अक्टूबर 2017 को रोहतास नगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी एवं श्री मुरलीधर राव जी की अगुवाई में 100 से अधिक युवक युवतियों को ई रिक्शा का वितरण करके उनका हौसला बढ़ाया गया और रोजगार मुहैया करवाया गया। इस केसरिया योजना के तहत करनाल में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के कर कमलों द्वारा एवं पानीपत में माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी के द्वारा ई रिक्शा का वितरण किया गया। आने वाले समय में चौपाल द्वारा दिव्यांगों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से उनके लिए ई रिक्शा का वितरण किया जाएगा और इससे पहले ई रिक्शा चलाने की योजना चेहरों की तरफ देखिए, इनकी निगाहें हमसे मदद मांग रही हैं। हमें इन लोगों को दया का पात्र नहीं बनने देना है, इन्हें भीख नहीं रोजगार देना है, इन्हें सहारा नहीं शक्ति देनी है। चौपाल द्वारा गरीब आदमी को आत्मनिर्भर बनाने वाले इस यज्ञ में आपकी आहुति जरूरी है। से सोचने की आवश्यकता है, नई समाज के सामने आने वाली समस्याओं को नए नजरिए से देखने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से भारत का युवा भूखा बैठने वाला नहीं है, खाली बैठने वाला नहीं है, वो स्वयं भी परिश्रम करेगा और सबके साथ मिलकर के अपने साथ अन्य नौजवानों को भी साथ लेकर के चलेगा। ऐसी ही भावना ये बहनें जो यहाँ रिक्शा चलाने के लिए ऋण लेकर के जाएंगी, जो मित्र नौजवान यहाँ से रिक्शा की चाबी लेकर के जाएंगे, वो जल्द ही अपना जो ऋण ले रहे हैं वो भी वापस करेंगे और साथ में अन्यों को भी समाज में एक विशेष रंग चुना है केसरिया। ये एक भावना है संघर्ष की,
केसरिया जो है ये संघर्ष की भावना का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, अग्नि का प्रतीक है। ऐसी भावना लेकर के समर्पण के साथ हम सब समाज में जाएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे, स्वाभिमान के साथ भारत का नाम भी ऊंचा करेंगे। कि चौपाल का दूसरा नाम ईमानदारी है। हम अक्सर देखते हैं बहुत बड़े बड़े लोग पैसों का घोटाला करके भाग जाते हैं, पर हमारी जरूरतमंद महिला बहनों ने ये साबित कर दिया है कि वो कर्मठ हैं, ईमानदार हैं। अगर उनका कोई हाथ पकड़े, उनकी सहायता करे, तो वो एक दिन बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन बन सकती हैं। मेरे इस काम के लिए, इस काम में शामिल होने के लिए स्वर्गीय केदारनाथ सानी जी का बहुत हाथ है। उन्होंने मेरे पति अश्विनी जी को कहा था कि मैं चाहता हूँ किरण इसमें काम करें, और हर समय मेरा मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय भोलानाथ जी हैं, जिनके अंदर ईश्वर ने एक जुनून भरा है कि वो मैक्सिमम भारत की महिलाओं को सेल्फ रिस्पेक्ट से जीना सिखाएंगे। तो मैं इन सबका, अपनी पूरी चौपाल की टीम का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो हमेशा मुझे साथ लेकर चलते हैं। तो ये एक संदेश है सबको कि अगर सरकारी नौकरी को देरी है तो आप कोई ना कोई काम कीजिए। हम सब जानते हैं कि अगर महिला को पैसों की ज़रूरत होती है तो उनका शोषण भी होता है। तो चौपाल ज़रूरतमंद महिलाओं को शोषण से बचाती है। देश तभी आगे बढ़ेगा जब हर घर की महिला, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाली महिला आर्थिक रूप से सशक्त होगी, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से सशक्त होगी, आगे बढ़ेगी। और महिलाएं दो परिवारों को संभालती हैं, समाज को संभालती हैं और पूरे देश को भी सशक्त करती हैं। आपने इस संस्था के बारे में कैसे सोचा? चौपाल का ये ख्याल आपके मन में कैसे आया? ये मेरी सोच नहीं थी। हमारे संघ के प्रचारक माननीय मदन दास जी थे और उन्होंने कहा कि इस काम को करना चाहिए हमें, और उन्होंने हमें जो प्रेरित किया। और ये सेवा बस्तियों के अंदर, झुग्गी झोपड़ी के अंदर, अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर रहने वाली जो मेरी बहनें हैं, मेहनत कश हैं मगर स्वाभिमानी हैं, इज्जत के साथ जीवन जीना चाहती हैं, उन लोगों को आर्थिक मदद दे करके, दान ना दे करके उनको सहायता करना ताकि अपना रोज़गार बढ़ा सकें, अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत कर सकें। तो चौपाल का एक छोटा सा प्रयास 2010 के अंदर शुरू हुआ और 80 परिवारों से ये शुरू हुआ, और उसमें केदारनाथ सानी जो दिल्ली के बहुत मुख्यमंत्री भी थे, मेयर भी थे, गवर्नर भी थे, वो भी इस काम के अंदर, उन्होंने मुझे प्रेरित किया, तो उनकी प्रेरणा से हम इस काम में लगे। तो ये चौपाल का जो प्रोजेक्ट है वो यहीं से शुरू हुआ और आज समाज की अपूर्व सहयोग से, लोगों के सेवाभावी लोगों के कारण से ये काम जो है आगे बढ़ने में सफल हुआ। और हमारा ये आज का 69th कार्यक्रम है जो हम सेवा बस्तियों के महिलाओं के बीच में करते हैं लघु ऋण दे करके, और इसमें अब दूसरा प्रोजेक्ट जुड़ गया है ई रिक्शा का भी। वो हम महिलाओं को और बेरोजगार युवकों को, जो जिन लोगों को अवसर मिल जाए अपने रोजगार बढ़ाने के लिए, उनके बीच में हम एक छोटा सा प्रयास करते हैं। क्या कोई संदेश आप हमारी महिलाओं को, हमारे यूथ को देना चाहेंगे जिससे वो प्रेरित हो जाए? नहीं, महिलाओं ने हमें संदेश दिया है, महिलाओं ने ये सिद्ध किया है कि वो ईमानदार हैं, और मैं आज गारंटी से कह सकता हूँ कि महिलाओं के अंदर ईमानदारी के कारण से ही चौपाल चली है। यदि महिलाओं के अंदर कहीं भी कहीं 19-21 की कमी होती तो चौपाल नहीं चलती। तो असली चौपाल को चलाने का क्रेडिट इन मेहनतकश, ईमानदार, स्वाभिमानी, इज्जत के साथ जीवन जीने वाली इन महिलाओं को आई सल्यूट दिस वुमेन जो स्लम एरिया में रहती हैं। चौपाल की सक्सेस स्टोरी के अंदर इन्हीं का योगदान है। सहरोजगारी एक ऐसी समस्या बन गया है भारत जैसे कंट्री के लिए जिसका निवारण बहुत ज़रूरी है, लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरह से काम कर रही है, रोजगार के अवसर बढ़ा रही है, लेकिन एज ए नागरिक, एज ए सिटीज़न हम सबकी उत्तरदायित्व बनता है कि हम भी कुछ ना कुछ उसमें सहयोग दें। मैं ये नहीं कहता कि ये सहयोग जो है कम है, छोटा है, लेकिन